नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्राम पंचायत जल की नगरा में रोजगार सहायक का दर्द बयां करते हुए उन्होंने बताया कि सरपंच और सचिव उसको कार्य नहीं करने दे रहे हैं। रोजगार सहायक ने बताया कि सचिव द्वारा आपराधिक मामले चलने के बावजूद वह पंचायत में हमें खुद काम नहीं करने दे रहा है। रोजगार सहायक ने बताया कि राजस्थान के थाने में भी उस पर कई अपराध दर्ज हैं, लेकिन अब पुलिस और कोई प्रशासन उसकी मदद नहीं कर रहा, ऐसे में वह कहां जाए। हम बात से खबर हरपल के लिए मलकांत सिंह तोमर की खबर। हाँ, आपको पंचायत में क्या परेशानियां आ रही हैं? पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत पे जाते हैं तो वहाँ मुल्ले पहलवान है, महेश उप सरपंच है, और ऐसे ही दो चार लोग हैं जो बदमाश प्रवृत्ति के, वो लोग आते हैं। जैसे महेश उप सरपंच है, पूरे GRS का काम वही कर रहे हैं। जब हमें कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, पंचायत भवन पर नहीं बैठने दिया जा रहा है, और हमने इसकी शिकायत जनपद CO, जिला CO सभी को हमने कहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो ये चाहते हैं कि हमें उस पंचायत से हटा दिया जाए, या ये जो सचिव हैं उनके रिश्तेदार हैं इनको हटा दिया जाए। इनके रहने से वहाँ पे एक जत्था इकट्ठा होता है, जिससे हमें पंचायती कार्य करने में काफ़ी व्यवधान पैदा होते हैं। सचिव किन के रिश्तेदार हैं? सचिव इन मुन्नी पहलवान वगैरह इन लोगों के रिश्तेदार हैं, और वो कर्मचारी से ज़्यादा रिश्तेदारी पर निभाने पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। मालूम हो कि हमारा तो मतलब इनसे जब से हमारी जॉब लगी है 2012 से, तब से मुन्ने पहलवान से विवाद रहा है। हमारा मैटरनिटी अवकाश होते हुए उन्हें मैं नौकरी से निकाल दिया गया था, और तब IAS मदन कुमार साहब के द्वारा हमारी जॉब को दोबारा से हमें दिया गया। बावजूद इसके हम एक कर्मचारी बन के अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इसकी शिकायत हमने लगातार जिले से लेकर जनपद तक बार बार की, लेकिन अभी तक हमारी किसी भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। जैसे जिला CO साहब के द्वारा आपको कोई अनुशासन नहीं दिया गया? जिला CO साहब ने हमसे एक बार कहा था कि रंता कोई भी आपको दिक्कत होती है, GRS का ट्रांसफर तो नहीं होता, लेकिन आप हमारे वहाँ पर आइए। तो हम जिला CO साहब के वहाँ गए भी हैं, लेकिन हम पर एक वसूली का भी प्रकरण लाद दिया गया, जबकि हमारी सड़कें पूरी बनी हुई हैं, सारी बातें हैं। जिला CO साहब ने हमें एक अच्छा जवाब भी दिया था कि आप हमारे पास वहाँ पर आइए, लेकिन अब वसूली के प्रकरण से हम उनके वहाँ पहुँचे तो इस समस्या को लेकर हम उन तक नहीं पहुँच पाए। जैसे आवेदन तो दिया होगा आपने? हाँ, मैंने आवेदन लगातार उनको दो बार मैंने आवेदन दिया है जिला CO साहब। और जैसे भूरे सिंह सिकरवार का ट्रांसफर हो गया था अभी कुछ समय पहले? भूरे सिंह सिकरवार का भोपाल से ट्रांसफर हुआ था, तो वो कोर्ट से वो रिलीव भी हो गए थे, क्योंकि कोर्ट के आदेश के आने से पहले उनको 23 जून को रिलीव कर दिया गया था। जबकि हमें उससे काफ़ी परेशानी, हमने इस बात को सभी को बताया है, लेकिन अब क्या जनपद से या जिले से ये भी तो लिख के दिया जा सकता है कि एक महिला इस व्यक्ति से कितना परेशान है, लेकिन इस तरीके का कोई नेत वहाँ तक नहीं जाता। इससे पहले जैसे जनपद CO ललित चौधरी के द्वारा जी कोई आदेश निकाला गया था इनके लिए? हाँ बिल्कुल निकाला गया था। इनका ट्रांसफर सर मैं आपको बता दूँ कि इनका ट्रांसफर सिंहपुरा के लिए हुआ था। अब जनपद से इनका जल के नगर